तो अब हमारा प्रसाद हो गया तैयार। अब देखा लोग फ्रेंड्स, यहाँ पे हाईवे के नीचे एक फ्रेंड्स यहाँ पर है चेरी ब्लॉसम लेन। अब और इतने सारे क्यूट क्यूट डॉग्स यहाँ पे घूम रहे हैं, मेरा मन कर रहा है किसी एक को तो उठा ही लूँ आज। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज है अष्टमी और पूजा बना रही है किचन में प्रसाद, तो अभी देखते हैं पूजा कितनी देर लगने वाली है पूजा को। और हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अभी मैं हलवा रख रही हूँ और साथ में आज मैं इंस्टा पॉट में छोले बनाने वाली हूँ। हाँ, ये हमारे नए मेहमान है जिनसे हम आपको भी जल्दी मिलवाएंगे। तो अब मैंने एक गैस पर सूजी भूनने के लिए रखी हुई है और इस तरफ उसकी चाशनी बन रही है। जब तक ये दोनों काम होंगे अब मैं यहाँ पे पैरेलली तड़का तैयार करने वाली हूँ उसका, छोलों का। तो अब हम इंस्टा पॉट यूज करने के लिए सबसे पहले इसको करेंगे सॉटे मोड में। तो अभी सॉटे मोड में हम इसमें डालेंगे टमाटोज। पहले तेल वेल नहीं डालना? म्यूजिक। सॉरी, वेरी नाइस। और ऑन हो गया ये सॉटे मोड इसका। अब इसके करो, अब इसका सॉटे मोड ऑन हो गया। अब इसमें हम तड़का बनाएंगे और साथ में ही छोले उबलने रख देंगे। अच्छा, हमने रिसेंटली ये इंस्टा पॉट लिया था। इंस्टा पॉट में आप क्या क्या कर सकते हो, आप प्रेशर कुकिंग भी कर सकते हो अपनी इंडियन कुकिंग के लिए, दालें राजमा चावल बनाने टाइप्स, और आप इसमें नॉर्मल सॉटे वगैरह भी कर सकते हो। तो हम इसको भी है, हमारी सेकंड बारी है जब इसको हम ट्राई करने वाले हैं। हमने पहली बार इसमें दाल बनाई थी जो सही बन गई थी, और आज हम इसमें बनाने वाले हैं छोले। तो और बाय द वे ये अराउंड $150 का आ जाता है। अब हम इसमें डालेंगे हमारा जीरा, और अब हम इसमें डालेंगे टमाटर जो हम डटते डटते डालेंगे। अरे वो इतना टाइम लग रहा था डालने में। इसका यही फायदा है कि आप एक ही उसमें तड़का बना के आप छोले उबलने रख सकते हैं, सेपरेटली करने की जरूरत ही नहीं है। वो तो नॉर्मल कुकर में भी कर सकते हैं। मैं कभी करती नहीं। तो अगर आप देखें अब इसका कलर लाइट ब्राउन सा हो गया है। हलवा बनाने की बस यही टिप है कि जो कलर का हलवा आपको चाहिए ना उसका एक शेड डार्क होना चाहिए, क्योंकि पानी डालने के बाद वो लाइट होता है। यू रेसिस्ट? रेसिस्ट लगने लगी है? नहीं, लगने नहीं लगा, भुन रहा है, मैं लगा रही हूँ ना। बस अब इसमें हम डालेंगे पानी। डाल दो ना। डालू? ठीक है, हटो गए। दिस इज सपोज टू हैपन। A few moments later. So, जिस काम में जान माल की हानि हो सकती है, पूजा काम में मेरे को लगा देती है। मुझे अपना स्टंट डबल बना रखा है इसने। आपको मेरा ध्यान रखना है ना? ध्यान रखने का कीमत तो थोड़ी होता है कि चलती गैस में मतलब हाथ दे दूँ मैं। मैंने अपने जीजा जी का वादा पूरा किया। जीजा जी का कौन सा वादा था? चलते गैस में हाथ देने का। शाबाश बेटा। हमारा हलवा हो चुका है अब तैयार। अब इसको हम ढक के रखेंगे। और अब मैंने ये छोले ओवरनाइट सोक कर लिए थे जो मैं इसमें डाल रही हूँ। कि मुझे सूखे छोले बनाने हैं तो बस मैं इसमें 4 times वाटर डाल के इसको रख दूंगी 10 minutes इंस्टा पॉट में। अब हमने इसमें पानी डाल दिया है और अब हम इसे करेंगे बंद। अब हम इसे करेंगे प्रेशर कुक और हम करेंगे इसे 10 minutes के लिए। और बस अभी अपने आप ही 10 मिनट्स के लिए प्रेशर कुक करने लग जाएगा, ऐसे स्टार्ट हो जाएगा कुछ सेकंड में। जब तक हमारे छोले बनके तैयार होते हैं हम थोड़ी पूरियां बना लेते हैं। हमारे पास कढ़ाई नहीं है तो हम इसी पैन में ही तलेंगे पूरियां। हाँ, मैंने पूरियां बेल दी हैं और अब सैम पूरी तल रहे हैं। जान पे खेल के अपने। हाँ, पूरी तलने का काम हमेशा सैम ही करते हैं। स्टंट डबल? स्टंट डबल नहीं, 3 चीजों मैंने सैम को असाइन कर रखी हैं, मैगी, पैनकेक्स और पूरी तलना। और भी कोई ना कोई निकल ही आएगी जैसे अभी धीरे धीरे करके 3 पता लगी है। और यहाँ से हमारा इंस्टा पॉट भी बोलने लग गया है कि इसका टाइम ऊपर हो चुका है, तो अभी हम चेक करते हैं कि छोले बन गए हैं कि नहीं। और ये हमारी पूरियां हो चुकी हैं तैयार, वो रहा हमारा हलवा प्रसाद। हमारा कुकिंग टाइम तो हो गया कंप्लीट, अब इसकी स्टीम निकालने का टाइम है जो इस पे प्रेस करने से निकलेगी। अब स्टीम में दिख नहीं रहा है कुछ, 1 मिनट में दिखाती हूँ। अब हमारा प्रसाद हो गया तैयार, अब हम जल्दी से पूजा करते हैं। सर्व मंगल मांगल्य। और ये देखिए हमारा मंदिर। शिवे सर्वार्थ साधिके।
और हमारा प्रसाद है रेडी, तो हम प्रसाद खाते हैं, और क्योंकि आज सनी है तो इसके बाद देखते कहीं घूमने भी जाएंगे। थोड़ी देर बाद मिलते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम घर से निकले थे, पर घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही एहसास हुआ कि ठंड है, धूप से धोखा नहीं खाना। और अभी फिर वापस आना पड़ा जैकेट लेने हम दोनों की। और पूजा मेरी कर रही है बाहर वेट। Thank you. A few moments later. तो फ्रेंड्स, वॉक करते करते हम पहुंच चुके हैं ग्रैनवेल स्ट्रीट के पास। और यहाँ पर हमें, कभी आपने किसी, क्या कहते हैं उसे, हाईवे के नीचे शैंडलर लगा हुआ देखा है? मैं दिखाती हूँ। देखा लो फ्रेंड्स, यहाँ पे हाईवे के नीचे एक शैंडलर लगा हुआ है। लॉजिक है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, पर ऐसा कुछ होता है कि अगर आप कुछ ऐसा कुछ कंस्ट्रक्ट करते हो तो आपको उसके इक्विवेलेंट को सुंदर बनाने के लिए कुछ कंस्ट्रक्ट और करना पड़ता है। तो जैसे अगर आपने हाईवे बनाया या फ्लाईओवर बनाया तो आपको समथिंग, एक कुछ लिमिट थी कि उस अमाउंट का कुछ सुंदर कुछ ऑर्नामेंट सा लगाना पड़ेगा या कुछ स्टैचू बनाना पड़ेगा, तो इन्होंने फिर ये लगाया था। अच्छा, ये लगा स्ट्रीट के बीचों बीच शैंडलर। और आज यहाँ काफ़ी ठंडी हवाएं चल रही है, वेदर चाहे 9 डिग्रीज है और सनी भी है, पर फिर भी क्योंकि ठंडी हवाएं चल रही है इसलिए बहुत ठंड लग रही है। और अभी हमें एक अच्छा व्यू दिखाने दो, तो पहले आपको दिखाएं। और यहाँ पे ये डॉग्स भी एंजॉय कर रहे हैं आज सन को। और मेरे गेम ऑफ थ्रोन के फैंस, ये देखो यहाँ पे एक सोसाइटी है जिसका नाम है किंग्स लैंडिंग। वाह, क्या सीन है। अब हम हमारी डेस्टिनेशन पहुंच गए, जो कि है डेविड लैम पार्क। हाँ। और इसके बीच में हमने बहुत सारी डिटॉर लिए, पर हम घूमते घूमते घुमाते पहुंच गए फाइनली। और यहाँ पे अगर आप हमारे पीछे देख सकते हो तो यह सी वॉल, और यहाँ पे कुछ ऐसा व्यू है। और मैडम को आते ही लगी है भूख, इन्होंने खोल लिया अपने चिप्स का पैकेट। साथ में कॉफी भी, और अभी कॉफी भी। अगर आपने हमारा ग्रैनविल वाला वीडियो देखा है तो हम पिछली बारी यहाँ पर थे, ये ग्रैनविल आइलैंड है, और अभी हम यहाँ पर डेविड लैम पार्क में हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर है चेरी ब्लॉसम लेन, आपको मैं अभी दिखाती हूँ, इतना सुंदर लग रहा है ना व्यू यहाँ से। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम डेविड लैम पार्क के चेरी ब्लॉसम लेन में बैठे हैं इस टाइम। और यहाँ पर दोनों साइड चेरी ब्लॉसम ट्रीज हैं, और यहाँ पर लोग सनी डे इंजॉय कर रहे हैं। तो अब सैम हमारे लिए मैट बिछा रहे हैं, और यहाँ से हम व्यू एंजॉय करेंगे ये वाला। हाँ। और गई भैंस पानी में। वीडियो बना दिया आपने। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। तो अब हम यहाँ बैठ के व्यू ले रहे हैं, और इतने सारे डॉग मुझे सामने देख के मिल गए हैं ना। एक सेकंड, हम यहाँ बैठ के व्यू एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, मतलब वही, और इतने सारे क्यूट क्यूट डॉग्स यहाँ पे घूम रहे हैं, मेरा मन कर रहा है किसी एक को तो उठा ही लूँ आज। वो बताओ, अभी आपने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो उस हफ्ते शहर में भी मौजूद नहीं था। इन्होंने क्या किया, अभी वो डॉग विसल निकाल रहे थे, और एक डॉग विसल कौन सी होती है, निकाल के दिखाओ। अरे इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। अरे निकाल के दिखाओ ना फ्रीक्वेंसी वाली। कुछ नहीं। तो अभी एक डॉग हमारे पास आ गया था, और हम बस उसको पैट करने लगे थे, इतने में उसके मालिक ने उसे आवाज मार ली और वो वापसी भाग गया। मतलब यहाँ के कुत्ते एक आवाज में भाग जाते हैं, हमारा तो सुने ना। A few moments later. वहाँ पे गर्ल्स ने कुछ शैक लगा रखा है, ठीक है, और उनके पास कैमरा है, तो वो आपको टियारा दे रही हैं और कह रही हैं कि फोटो खिंचवा लो, और बस फिर बाद में अगर आपको अपनी फोटो चाहिए तो यू हैव टू पे फॉर दैट। तो ये भी एक अच्छा तरीका है यहाँ पे पैसे कमाने का। क्यों समीर जी, आपका कैमरा लाएं अगली बार से। और ऐसे ही यहाँ पर सनी डे वाले दिन सब लोग पार्क्स में आ जाते हैं और अपना एंजॉय करते हैं और पिकनिक मनाते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ एट अ ग्लांस। टेक अ लुक। Ooh.
अब चलें? Yeah, let's go. One hour later. और फ्रेंड्स, अगर आपको याद है, स्प्रिंग सीजन के स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको दिखाया था नए प्लांट्स यहाँ पे लगाए गए थे, और अब देखो इतने सुंदर सुंदर ट्यूलिप्स आ चुके हैं यहाँ पे. Two hours later. तो फ्रेंड्स, हम घर आ गए थे और हमने थोड़ी देर रेस्ट भी कर लिया है, और उसके बाद अब हम फिर से जा रहे हैं डिनर पर. बट जैसे हम बस स्टैंड पे पहुंचे, हमने देखा कि हमारे कंपास कार्ड तो घर ही रह गए हैं. तो अब जल्दी से सैम कंपास कार्ड लेने गए हैं और मैं जल्दी से यहाँ पे बस का वेट कर रही हूँ. होपफुली सैम तब तक आ जाए और फिर हम जाएंगे डिनर पर. और फ्रेंड्स, वो देखिए, दूर से सैम भागते हुए आ रहे हैं कार्ड्स लेकर. और अभी मुझे बस नहीं दिख रही है. अगर आप यहाँ से देखें तो अभी ट्रैफिक ही है, बस नहीं आई है. तो मुझे लग रहा है कि बस आने से पहले नहीं आई बस अभी. सो हम पहुंच चुके हैं कैक्टस क्लब डिनर करने के लिए, और यहाँ का व्यू कुछ ऐसा है, और हम करते हैं यहाँ पर डिनर. और फिर इस डिनर पर हमने कुछ अमेजिंग फ्रेंड्स बनाए, जिनसे आपको मैं अभी मिलवाती हूँ. आप चलो, आपका पहला विजिट था यहाँ पे, क्या कहते हैं, कैक्टस पे, तो कैसा लगा आपको? ये इंडियंस होते ही बड़े पॉजिटिव है ना. जो दो घंटा यहाँ पे बाहर खड़े थे वो नहीं बताओगे? मैं इसलिए नहीं बताऊंगी, बिकॉज फर्स्ट टाइम मैंने कनाडा में आने के बाद इंडियन बेस्ट फूड खाया अभी. चलो गुड, वेजिटेरियन मतलब आपको अच्छा लगा? चलो गुड, बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया. एग्जैक्टली, तो कैक्टस क्लब से ज्यादा सब. हाँ जी, तो कैसा लगा आपको आज का दिन, आज की इवनिंग हमारी? बहुत अच्छी. 2 hours of wait, it was worth waiting 2 hours. और हमारे बच्चे बेचारे भूखे, ये देखो जो इधर से होता है. एक शिफ्ट के सब्जी और मैगडी की लगाने के बाद कैक्टस क्लब कैफे में हैं. अभी बच्चे पेट भर गए हैं, अभी भी कुछ और खाना है? खा सकते हैं. चलो घर चलते हैं बच्चे, चलो मैकरोनी खिला दो. और आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय.